प्रतीक सहजपाल का स्वैग। ये है विंटर वाला फोटोशूट। कलाकार एक, अंदाज अनेक। जी हाँ, आज हो रहा है प्रतीक सहजपाल का मेकओवर, और इनका मेकओवर कोई और नहीं बल्कि स्टाइलिस्ट मोहित कपूर कर रहे हैं, क्योंकि वो लेकर आए हैं विंटर वाला फोटोशूट। इस फोटोशूट में प्रतीक सहजपाल देश में ही रहकर दिखा रहे हैं अलग अलग देशों के रंग अपने अलग अलग अंदाज से और अपने टशन वाले मिजाज से। इस फोटोशूट में प्रतीक 5 अलग अलग लुक में नजर आएंगे और हर लुक इनके लिए है एकदम ही परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं इनका पहला लुक, जो है इंडिया के मुंबई का, जहाँ होता है सर्दी का खट्टा मीठा मौसम। और उसी मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रतीक सहजपाल ने पहना है ग्रीन स्वेटर और ब्लैक लेदर पैंट्स, और साथ ही दिया है गले में ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन भी। इस लुक में प्रतीक लग रहे हैं एकदम टशनेबाज। सो आज है हमारे साथ प्रतीक सहजपाल बिग बॉस सीजन 15 से, एंड उनका हम एक एक्सक्लूसिव फोटोशूट कर रहे हैं, और मुंबई की खट्टी मीठी ठंड को ध्यान में रखते हुए हमने ये बॉटल ग्रीन कलर का उन्हें एक हुडी दिया है और एक लेदर की पैंट दिया है। तो प्रतीक, क्या कहना चाहेंगे आज के इस लुक के बारे में? तो मैं ये बोलूँगा कि इट्स अ वेरी सटल एंड वेरी नाइस लुक, बिल्कुल मेरे तरीके का लुक है। एंड बॉम्बे में जो वेदर चल रहा है इस समय, थोड़ी हल्की हल्की अच्छी अच्छी ठंड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये आउटफिट जो है, दिस इज माय काइंड ऑफ आउटफिट, तो मजा आएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इनका दूसरा लुक है एकदम बेफिक्रा। ऑरेंज शर्ट और ग्रीन लूज पैंट्स का कॉम्बिनेशन इन पर खूब फब रहा है, और साथ ही व्हाइट शूज इनके लुक को कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। ये लुक प्रतीक को बेहद खूबसूरत लग रहा है, और इन्होंने इस लुक को नाम दिया है इंडिया के ऊटी का लुक। अभी हम आ गए हैं कहीं और, अभी हम ऊटी में हैं। बॉम्बे से ऊटी आ गए, बहुत जल्दी आ गए, आपको पता भी नहीं लगा। कॉन्सेप्ट यही है कि बैगी स्टाइल, जो भी अच्छा लगे या ना भी लगे, हम अच्छा कर देंगे उसको, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली प्रतीक की पर्सनैलिटी है, वो कुछ भी कैरी कर सकते हैं, बट फॉर श्योर वो बैगी को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं। आप देखिए तो हमने ऑरेंज कलर को ग्रीन के साथ कॉम्बो में विद वाइट शूज़ दिया है, एंड बहुत ही यूनिक लुक है। और एक हमने गले में बहुत ही यूनिक सा एक नेकलेस टाइप दिया है, तो वो इनके लुक्स को और एनहेंस कर रहा है, राइट? और इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बैकग्राउंड बहुत ही, मतलब मेरे को आई रियली लाइक कलर्स, मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड पर्पल है, मतलब ब्राइट है या जो भी है, बहुत ही कलर्स हैं, अच्छे कलर्स हैं। सो व्हेन वी प्ले विद कलर्स आई रियली लाइक इट, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। कलर्स वगैरह अलग अलग, सारे मिक्स कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, तो वो नहीं है, पहले ग्रीन के साथ ग्रीन था, अब ऑरेंज के साथ पर्पल हो गया, तो वो अच्छा लग रहा है बहुत। फोटोशूट का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ माइंड में था नहीं, लास्ट मिनट पे आया कि प्रतीक सहजपाल जी का शूट करना है, मैंने बोला चलो ठीक है प्रतीक सहजपाल का शूट करते हैं। तो फाइनली मैं भी काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई कलर की रिस्ट्रिक्शन ना हो, एंड फाइनली आई गॉट अ मैन टू शूट विद दैट। आई एम समवन हु डज नॉट रियली, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को इसी टाइप के कपड़े पहनने, मतलब मैं पहनता हूँ, मेरा एक है स्पेसिफिक चॉइस कि हाँ ये है, बट इफ़ ही वॉन्ट्स टू यू नो जेन्युइनली ट्राई समथिंग ऑन, तो वो ट्राई भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, और इट कम्स आउट गुड। सो वो है चीज़, एंड कॉन्सेप्ट ये है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप शूट कीजिए, अच्छा आएगा, सबको बोलना चाहूँगा मैं। प्रतीक का तीसरा लुक है बहुत ही खास। इस लुक के लिए प्रतीक ने चुना है पर्पल विद मल्टी प्रिंट्स कलर का स्टाइलिश कोट पैंट,
ये कलर इन दिनों ट्रेंड पर चल रहा है, जिसे पहनकर प्रतीक सहजपाल पहुंच गए हैं सीधा यूक्रेन और दिखा रहे हैं अपना यूक्रेन वाला टशन। सो क्रिश सांगवी की आपने ये डिजाइनर आउटफिट पहनी है, क्या कहना चाहेंगे इस लुक के बारे में? पहले मैं बहुत श्योर नहीं था इस लुक को लेके, लेकिन फिर हमने इसको इस तरीके से पहना कि हम बहुत ज़्यादा श्योर हो गए। एंड अभी हमने शूट किया है यूक्रेन में, सो आपको दिख ही रहा होगा कि ऐसे आउटफिट्स हम पहन के, वी नॉट इन इंडिया, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ लुक एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। एंड सो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ये लुक, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल लग रहा है एंड फोटोज आएंगी तो उसके बाद देखना आप कैसा लगेगा। प्रतीक का चौथा लुक है मैन इन ब्लैक का। भाई मेंस फोटोशूट में काले रंग के कपड़ों का चयन ना हो भला कैसे हो सकता है, इसीलिए प्रतीक ने पहन लिया है डिजाइनर कोट पैंट्स। और साथ ही इस फोटोशूट में दिखा रहे हैं अपना नेचुरल वाला स्टाइल, जो बिल्कुल ही हटकर है, यानी कि एकदम रॉ। वैसे इस लुक में प्रतीक पहुंच गए हैं शिकागो। मोहित के साथ शूट कर रहे हैं हम एंड एक और दिन एंड आई एम वेयरिंग साहिल कुरैशी लेबल, सो लुकिंग वेरी नाइस एक्चुअली। मेरा कुछ भी शूट्स आते हैं तो आई प्रेफर कि मैन इन ब्लैक एक थीम जरूर रखूं एंड आई एम डूइंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमने लास्ट टाइम बट जो हमने फोटोज खींची है इस आउटफिट में, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल यूनिक है, आपने वैसा अभी आप कभी रिवील मत करना, लेकिन क्या खींचा हमने? रिवील तो नहीं करेंगे फॉर श्योर, बट बहुत अलग है। जैसा ये मैन इन ब्लैक में रेडी दिख रहे हैं, बट एक्चुअली फोटोज में आपको वैसे नहीं दिखने वाले हैं। वैसे मैं नहीं तो फोटोज में क्या ही, बट इट्स अ वेरी गुड एंड रियल कॉन्सेप्ट, बी रियल बी रॉ। तो ये आइडिया तो ऑफ कोर्स प्रतीक का था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज मेरे ये आइडिया नहीं आया था। मैन इन ब्लैक वाज माय आइडिया, बट उसको बहुत ही क्रिएटिव बनाने का आइडिया ऑफ कोर्स ऑल क्रेडिट गोस टू प्रतीक। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा पागल होना पड़ता है लाइफ में बस। जिस भी पागल खाने वाले आपके पीछे लग जाएंगे तो आपको ऐसे भी आइडियाज आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। बट द शूट रियली वेंट ग्रेट एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द इट्स स्टिल गोइंग ऑन। Yes, it's still going on, yeah. And we are going for another country, yeah. another look. So where we are right now? We are right now in Chicago. Chicago, in America. Okay. So just note down. We're going to. अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं Georgia. Georgia? Yeah. अच्छा. One more. मुझे बस Uganda मत लेके जाना, बाकी जहाँ मर्जी ले जाओ. अब बात करते हैं प्रतीक के पांचवे और आखिरी लुक की, जिसमें उन्होंने पहना है व्हाइट पोलो स्वेटर और व्हाइट पैंट्स और साथ ही दिया है मल्टी कलर स्ट्राइप्स वाला कोट का कॉम्बिनेशन। भाई इनके स्वैग को देखकर तो वाकई लग रहा है कि प्रतीक सीधा पहुंच गए हैं जॉर्जिया और वहां पहुंचकर दिखा रहे हैं अपने अलग अलग अंदाज। तो फाइनली हम अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं हमारे शूट के एंड ये हमने बहुत ही विंटेज लुक किया है प्रतीक की। अगेन प्रतीक की पर्सनैलिटी का बहुत शूट कर रहा है। प्रतीक कुछ कहना चाहेंगे इस लुक के बारे में? मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके बारे में हम श्योर ना हो, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस ब्लेजर, बट ये अच्छा लग रहा है एंड वी पुल्ड इट ऑफ। प्रॉपर स्टाइलिंग एंड प्रॉपर कैरी करने के हिसाब से हमने पुल ऑफ कर लिया, मोहित ने अच्छे से स्टाइल किया इसको एंड आई थिंक वी पुल्ड इट ऑफ वेरी नाइसली। And Paul has taken some amazing pictures, amazing shots, very creative ones, and very raw, very vintage, and बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम जॉर्जिया में जाने वाले थे, लेकिन जॉर्जिया हम गए नहीं, हम आर्मेनिया आ गए। फिर आर्मेनिया में बहुत ठंड होती है, तो हम बहुत ठंड में आए। काम करते हुए बहुत मज़ा आता है मुझे यार, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। सो वीव बीन वर्किंग एंड वीव डन अ ग्रेट जॉब आई फील, एंड ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि प्रतीक सहजपाल के अलग अलग लुक्स ने आपको काफी प्रेरित किया होगा, तो आप भी अलग अलग अंदाज दिखाइए और खुश हो जाइए। अब बस उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रतीक सहजपाल छोटे पर्दे पर वापसी करें और अपने दर्शकों को एंटरटेन करें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।